नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेफ होंगे। देखिए दोस्तों, ये आप एक आरओ वाटर प्योरीफायर देख रहे हैं, और ये जो आरओ वाटर प्योरीफायर है नेक्सस ब्रांड का है, ये आरओ नेक्सस सीरीज का कैमरी मॉडल। और इसके साथ आप ये कुछ ये पार्ट्स वगैरह देख रहे हैं, ये पार्ट्स इसके साथ पड़े हुए हैं जो कि इस आरओ वाटर प्योरीफायर में लगाए जाते हैं। और इस पार्ट्स को जो हम बोलते हैं, ये हमारा होता है एसवी, मतलब सोलनेट वाल्व होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस पार्ट की समस्या या इस पार्ट में कंप्लेंट है हमारे आरओ वाटर प्योरीफायर में, ये कैसे पता चले, ये कैसे आप जान पाएंगे बिना खोले, मतलब इसे दूर से देखने पे ही आपको पता चल जाएगा। जो टेक्निक मैं बताऊंगा कि इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस पार्ट में हमारे दिक्कत है। ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रांड चाहे वो किसी भी कंपनी का ब्रांड हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो कैंट ब्रांड हो, चाहे वो एक्वागार्ड यूरेका फोर्स का ब्रांड हो, या कोई भी ब्रांडेड कंपनी का ब्रांड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो टेक्निक मैं बताऊंगा उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भी इसमें दिक्कत है। देखिए, ये मेरे पास दो तीन टाइप के एक आप सोलनेट वाल्व देख रहे हैं। एसवी है, ये मॉडल है, ये एक एसवी है। इसे हम ज़्यादातर ये जो हमने देखे हैं यूरेका फोर्ब्स या फिर कैंट आरओ में इस टाइप के एसवी लगाए गए रहते हैं। और एक एसवी ये है, ये हीरो ब्रांड का एक एसवी है, ये फ़िलहाल मेरे पास अभी ख़राब एसवी है। और एक एसवी आप ये देख रहे हैं, ये एसएलएक्स ब्रांड का एक एसवी है, जो कि बहुत अच्छा ब्रांड है एसवी का और लॉन्ग टाइम चलने वाला ब्रांड है। इसमें कंप्लेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं आती, ये है कि फर्स्ट क्लास चलने वाला है अगर कंपेयर किया जाए तो। एक मेरे पास एक एसवी की कॉइल आप ये देख रहे हैं, एक जे कॉइल है। तो ये सारे कुछ एसवी के डिज़ाइन रहते हैं और ब्रांड रहते हैं, किसी भी आरओ में इसी टाइप के एसवी रहते हैं। और पानी जो है हमारा, जैसे मान लो ये हमारा ये आरओ है और इधर से पाइपिंग वगैरह सारी घूम के दो तीन फिल्टर से पानी फाइनल फिल्टर होने के बाद हमारे इस एसवी तक पहुँचता है। और इस एसवी का काम ये रहता है कि जब हमारा आरओ का टैंक भर जाता है, आरओ का टैंक भरने के बाद अगर हमारे आरओ वाटर प्योरीफायर में ये फ्लोट वाल लगा है जो कि टैंक के अंदर जो रहता है, फ्लोट वाल जब पानी के लेवल से ऊपर आता है तो हमारा ये जो माइक्रो स्विच है इसको ऊपर कर देता है, और हमारा माइक्रो स्विच हमारे आरओ को ऑन कर देता है। किसी आरओ में वेट सेंसर रहता है, किसी में फ्लोट लगा रहता है, और किसी में दूसरे टाइप के सेंसर वगैरह रहते हैं जिससे कि आरओ बंद हो जाता है। अब आरओ तो हमारा बंद हो गया, हमारा मोटर जो है बूस्टर पंप चलना बंद हो गया, लेकिन बंद होने के बाद अगर हमारा ये पार्ट खराब होगा तो ये क्या करता रहेगा, इसमें दो टाइप की कंप्लेंट आती है। वो दो टाइप की कंप्लेंट ये रहती है कि अगर हमारा आरओ ऑफ हो गया है, मान लो हमारा आरओ जो है भर गया है या हमारा आरओ ऑन भी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर हमारे इस पार्ट में दिक्कत आती है, वो दिक्कत क्या आती है कि ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ हमारा पानी का एक इन रहता है जो कि हमारा आरओ यूनिट में पानी फिल्टर के लिए जाएगा, और एक हमारा ड्रेन निकलता है जो कि आरओ में से गंदा पानी निकलता है। तो अगर आरओ बंद होने के बाद भी हमारा आरओ जो है उसमें से गंदा पानी रेगुलर निकलता रहता है, या ड्रॉप ड्रॉप करके निकलता रहता है, या पूरी धार के साथ निकलता रहता है जबकि हमारा आरओ ऑन नहीं है, तो बंदे को ऐसा लगता है यार ये वेस्ट पानी क्यों निकले जा रहा है जबकि हमारा आरओ तो ऑन नहीं। तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि हमारा ये एसवी की दिक्कत रहे होता है। एसवी में से एसवी का ये जो वाल होता है, इसमें दो पोर्शन आप देख रहे हैं, एक कॉइल वाला देख रहे हैं, एक आप ये इसका वाल वाला पोर्शन देख रहे हैं। तो इसका ये जो प्लंजर ऊपर वाला प्लंजर जो है, ये इसका एसवी जो है, ये ऊपर वाला पोर्शन फ्री हो जाता है। फ्री होने से ये रहता है कि बाईपास ये पानी देना शुरू कर देता है, और कुछ कंडीशन में यह है कि ड्रेन पानी के साथ साथ हमारा ये टैंक जो है इसमें भी ड्रॉप ड्रॉप करके पानी थोड़ा मिक्स होता रहता है, और हमारा टैंक भी ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है। अगर हमारा टैंक ओवरफ्लो किए जा रहा है, आरओ बंद है उसके बावजूद भी, और ड्रेन पानी भी निकला जा रहा है, तो मान लीजिए हमारे एसवी में ही दिक्कत है। उस कंडीशन में आपको एसवी चेंज करना है। और कई बार क्या होता है, दूसरी कंप्लेंट ये आती है कि हमारे एसवी, ये एसवी का ये वाल तो ठीक रहता है, हमारी ये जो कॉइल है, कॉइल जो है इस आरओ को क्या है कि इस एसवी को जो है ऑन नहीं कर पाती, मतलब करंट नहीं बना पाती है। तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि इसमें आप एसवी में आप एक इन देख रहे होंगे और एक आउट होता है। ये देखिए, यहाँ से पानी इन जाएगा, यहाँ से आउट जाएगा जो कि मोटर की तरफ जाएगा, और यहाँ इस यहाँ जो नोजल लगाई जाती है, ये जैसे ये नोजल है, इन वाले पोर्शन में जो है
पानी आएगा, यहां तक तो पानी आएगा, इन वाले तक तो आएगा, लेकिन आउट में से पानी नहीं जाएगा क्योंकि हमारी क्वाइल ही काम नहीं कर रही, ये करंटी नहीं बना रही। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि हमारी क्वाइल खराब होने के कारण क्या है कि SV ऑन नहीं होता है। और उस कंडीशन में ये रहता है कि RO तो चलता रहता है, RO की मोटर तो चलती रहेगी, लेकिन पानी नहीं आएगा, प्योर पानी भी नहीं आएगा और ड्रेन पानी भी नहीं आएगा। जबकि हमारे फिल्टर्स वगैरह, हमने मान लो सारे फिल्टर्स भी हमने नए लगा रखे हैं, या नया RO ये सब नए फिल्टर लगा, उसके बावजूद भी अगर पानी नहीं आता है SV, बस की निशानी यही है SV खराब होने की। दो निशानियां हैं जिससे कि आपको बिना खोले पता चल जाएगा कि आपके SV में, जो कि मैंने आपको बताई, पहला ये कि RO ऑफ होने के बावजूद भी, मान लो RO में कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही, ड्रेन पानी निकलता रहता है और टैंक भी अगर ओवरफ्लो करना शुरू कर देता है, उस कंडीशन में हमारा SV खराब है, मतलब SV को ऊपर वाला ये वाल खराब है। और अगर हमारा RO ऑन है, मतलब वाइब्रेशन कर रहा है, पानी नहीं आ रहा है, मतलब ड्रेन पानी भी नहीं जा रहा और प्योर पानी भी नहीं भर रहा, तो उस कंडीशन में समझ लो हमारे SV की कॉइल खराब हो चुकी है। तो इसको चेंज करेंगे उस कंडीशन में, तो फिर यह है कि ये फर्स्ट क्लास काम करेगा। दूसरी बात यह है कि कई बार आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या SV के बिना हम RO चला सकते हैं। बिल्कुल आप चला सकते हैं, RO बिना SV के चला सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको करना क्या होगा, ये हमारा फिर RO जो है ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा, RO जो है हमारा मैनुअली काम करेगा। मैनुअली मतलब जब आपको पानी चाहिए तो आपको RO ऑन करना है और पीछे से पानी खोलना है, और जब आपको पानी नहीं चाहिए तो RO को ऑफ कर देना है और पानी बंद कर देना है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो बिना SV के भी चला सकते हैं, लेकिन यह है कि उसमें झंझट रहते हैं बार बार। अगर मान लो आप पानी बंद करना भूल गए, आपका इस तरफ ध्यान नहीं गया, तो हमारा ये टैंक जो है ओवरफ्लो करना शुरू कर देता है, तो वो सारे झंझट ही रहते हैं। पानी तो आ जाएगा, लेकिन वो सारे झंझट रहते हैं, बार बार उसे ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ भी पानी ओवरफ्लो ना हो जाए, ये सारी दिक्कतें हैं। तो ये छोटी सी जानकारी दी है क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास कई बार आए हैं कि जिसमें कि SV की दिक्कत रहती है, तो आपको थोड़ा कई बार नॉलेज नहीं रह पाती कि भाई किस टाइप से उसे हैंडल किया जाए, कैसे रिपेयर किया जाए, कैसे पहचाना जाए कि SV की क्या दिक्कत है। तो आज की वीडियो में मैं सारा ये क्लियर किया है कि SV से रिलेटेड कोई सा भी ब्रांड हो, अगर ये दिक्कत आती हो तो आप इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।